हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार, संध्या कंपनी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जनरल साइंस को पटवार के एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको टॉपिक करवा दिए थे, विटामिन आपको करवा दिया था, मानव रोग आपको करवा दिए थे। आज जो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ब्लड। अब फ्रेंड्स, ये ब्लड क्या होता है, कौन सी कोशिकाएं होती है ब्लड के अंदर, कितना पाया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक थोड़ा लंबा है, हो सकता है हमें दो वीडियो में करना पड़े, तो फ्रेंड्स आप जो हमारे दोनों वीडियो आए उन सभी को आप अच्छे से देखना, ताकि इससे संबंधित आपका कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी हमारे ऐसे नए वीडियो आए तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्लड की। तो देखिएगा, ये जो ब्लड है, अब इस ब्लड के जो आपका अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, ये कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता रखना है कि जो रुधिर है, रुधिर का अध्ययन जिस साइंस में किया जाता है उसको फ्रेंड्स बोला जाता है हीमेटोलॉजी। क्या फ्रेंड्स? हीमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या? हीमेटोलॉजी बोला जाता है। आप सभी अच्छे से पता रख लेना क्या फ्रेंड्स हीमेटोलॉजी में बोल रहा हूँ, क्या? हीमेटोलॉजी। उसके आगे फ्रेंड्स, ये जो आपका रुधिर होता है ये बनता कहाँ पे है, आप सभी को अच्छे से पता रखना है कि आपका जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, जो आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो थी नॉर्मल बात है कि आपका जो है ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है वो साइंस क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी कहलाती है। इसका जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। फ्रेंड्स, एक जो मनुष्य होता है, मैं भले बात करूं मेल की या फीमेल की, तो उनके अंदर जो एवरेज जो आपका रुधिर पाया जाता है 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। कितना फ्रेंड्स? 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। तो ये है कि आपको अगर ऐसा कभी पूछा जाए कि भाई जो एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर, मैं अगर मेल की बात करूं या फीमेल की बात करूं, आपकी जो कॉमन रुधिर पाया जाता है कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर का पाया जा सकता है। यानी कि जो अपना शरीर का भार होता है उससे जो 60% आप निकाल दो उतने अपनी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है कॉमन कॉमन बातें। अपन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी। यहां से समझना है नॉर्मल आपका कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर एक मनुष्य के अंदर, अपने जो बॉडी का वेट होता है उसका 7% अपने बॉडी के अंदर रुधिर पाया जाता है। इसके आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कि रुधिर का जो पीएच होता है, पीएच होता है 7.4। क्या फ्रेंड्स? जो ब्लड का पीएच होता है कितना होता है, 7.4। यानी कि इट्स मीन क्या हुआ, जब 7.4 है तो आपका जो रुधिर है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा फ्रेंड? क्षारीय आपका होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड आया पीएच, इसका भी कभी कभार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आप बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आप बोल सकते हो। पीएच आपका क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का कितना पावर है, या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो भी आपको बोलना हो। तो रुधिर का कितना होगा, 7.4 होगा। उसके आगे फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि जो आपके रुधिर का जो रंग होता है, जो आपका कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। अब ये जो रेड कलर है ना, ये जो रेड कलर है ये होता किसके कारण है, तो आपका ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। उसके आगे फ्रेंड्स, एक तो आपका हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर जो आपका तत्व पाया जाता है, जो कंपोनेंट पाया जाता है, वो फ्रेंड्स आप सभी का कौन सा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो आपका Fe है आयरन, वो किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट है। तो ये बातें सभी याद रख लेना कि जो लाल रंग होता है रुधिर का किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में जो आपका कंपोनेंट पाया जाता है कौन सा होता है, आयरन होता है। उसके आगे फ्रेंड्स, आयरन और एक प्रोटीन भी आपका होता है जिसका नाम है ग्लोबिन। क्या फ्रेंड्स? ग्लोबिन प्रोटीन के कारण और आयरन के कारण आपके जो रुधिर का रंग है या हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो कैसा होता है, रेड होता है।
उसके आगे फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी आपके जीव है जिनका क्या है कि रुधिर का रंग अलग होता है। जैसे अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो उसका रुधिर कैसा होता है, सफेद होता है। आप सभी को अच्छे से पता रखना है कि कॉकरोच जो होता है उसका रुधिर कैसा होता है, सफेद होता है। किसके कारण? तो फ्रेंड्स हीमोलिंक के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स? हीमोलिंक के कारण क्या होता है, जो कॉकरोच होता है उसके जो रुधिर का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, जबकि अपना क्या है, लाल है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच का मैंने क्या बोला, सफेद है। किसके कारण? हीमोलिंक के कारण। उसके आगे फ्रेंड्स जो ऑक्टोपस है, जो ऑक्टोपस है उसके रुधिर का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू कलर का रुधिर होता है, बिकॉज ऑफ हीमोसाइनिन। क्या फ्रेंड्स? मैंने क्या बोला, कॉकरोच है, कॉकरोच इसका कैसा है, सफेद। किसके कारण? हीमोलिंक के कारण। किसके कारण फ्रेंड? हीमोलिंक के कारण। और आगे मैंने क्या बोला कि जो आपका ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का कैसा है, ब्लू है। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स? हीमोसाइनिन के कारण। यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अपन सभी को पता है कि रुधिर का रंग लाल होता है, पर वो किसमें, मनुष्य में, ज्यादातर प्राणियों में क्या होता है, लाल ही होता है, जो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन में जो आपका तत्व पाया जाता है कौन सा, आयरन, और एक आपका प्रोटीन होता है कौन सा, ग्लोबिन। यहाँ पे जो ग्लोबिन नाम लिखा है इसका ही मीन्स क्या है, ये प्रोटीन पाया जाता है। उसके आगे मैंने बात की कॉकरोच, कॉकरोच का रुधिर कैसा है, सफेद। किसके कारण? हीमोलिंक के कारण। उसके आगे हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का कैसा है फ्रेंड, ब्लू, और ब्लू किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसके आगे फ्रेंड्स अब अपन को पढ़ना है कि जो आपका बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझ लेना कि O2 और CO2 का ये क्या करता है, परिवहन करता है, बॉडी के अंदर आप बोल सकते हो कि सप्लाई करता है। किस किस की? O2 और CO2 की आपकी जो सप्लाई कौन करता है, वो आपका ब्लड करता है। उसके आगे फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड होता है इसको अच्छे से समझना है कि किस किस से बना होता है आपका रुधिर। तो आपका जो रुधिर है जो सॉलिड है वो तो आपका कितना है, जो ठोस पदार्थ उसमें पाए जाते हैं 45% पाए जाते हैं, 45%। और फ्रेंड्स जो आपका लिक्विड होता है वो कितना होता है, 55% होता है। यानी कि मैंने क्या बोला कि अपने जो बॉडी के अंदर जो रुधिर है उसका 45% तो आपके अंदर क्या है, सॉलिड पार्ट है, और जो लिक्विड पार्ट है वो कितना है फ्रेंड्स, 55%। अब इन दोनों को अच्छे से समझना है कि सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है। तो इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है। एक बार इसका आप अगर नोट डाउन करना हो तो कर लो, अदरवाइज मैं इसको मिटा देता हूं, पर स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला कि जो सॉलिड पार्ट है, क्या सॉलिड पार्ट तो आपका हो जाएगा 45%, और जो आपका लिक्विड है, लिक्विड पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 55%। अब फ्रेंड्स तो आपका सॉलिड पार्ट है इसके अंदर तो क्या आ जाएगी, सारी की सारी आपके सेल्स आ जाएगी, जैसे RBC में बोलू, WBC में बोलू, और प्लेटलेट्स में बोलू, प्लेटलेट्स। ठीक फ्रेंड्स, कौन कौन सी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और जो आपका लिक्विड पार्ट है उसके अंदर फ्रेंड्स आपका आ जाएगा ग्लूकोज, आ जाएगा ग्लूकोज, आ जाएगा प्लाज्मा, आ जाएगा प्लाज्मा, आ जाएगा, और आप बोल सकते हो क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन आपका आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स क्या है, अपना जो रुधिर है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जो आपका 45 है सॉलिड है, उसके बाद जो लिक्विड पार्ट है वो कितना है, 55 है। अब जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर आरबीसी आ गई यानी रेड ब्लड सेल आ गई, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल आ गई, प्लेटलेट्स जो आपकी बिंबानों वगैरह बोलते हैं वो आ गए। उसके आगे फ्रेंड्स ग्लूकोज आ गया लिक्विड में, प्लाज्मा भी आ गया लिक्विड में, प्रोटीन भी आ गया लिक्विड में। अब फ्रेंड्स अपन इनको अच्छे से समझेंगे कि आपका जो सॉलिड पार्ट है उसका क्या है, लिक्विड पार्ट है उसका क्या है। तो इन सभी को अपन अच्छे से समझेंगे क्या क्या होते हैं ये। तो फ्रेंड्स अपन आगे बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात कर दूं प्लाज्मा की।
हालांकि इससे अगर ज्यादा वीडियो लॉन्ग बना तो मैं दो वीडियो में आपको करवा दूंगा, पहले एक बार इसको समझ लो। प्लाज्मा को जो अपने प्लाज्मा है उसका जो आपका कलर होता है लाइट येलो होता है, यानी पीले रंग का आपका होता है क्या प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपका 90% तो क्या होता है वॉटर होता है, क्या फ्रेंड्स 90% आपका वॉटर होता है, 10% आप बोल सकते हो आपके जो कार्बनिक यौगिक है वो हो सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला 90% वॉटर है, यानी प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है वॉटर। तो फ्रेंड्स आगे अपन बात करते हैं कि ग्लूकोज है 1% पाया जाता है, बाकी जो आपके प्रोटीन वगैरह मिलके आपके हो जाएंगे 10% वगैरह, ये हो जाता है। यानी कि आगे मैं बात कर लेता हूं प्लाज्मा की, लिक्विड पार्ट में अपन सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा का मैंने रंग कैसा बताया पीला, हल्का पीला है ना फ्रेंड्स, हल्का पीला। अब फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है 90% तो आपका क्या है वाटर और 10% आपका क्या है कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फ्रेंड्स ये जो 90% वाटर है 10% क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपका ग्लूकोज मैंने बताया था, ग्लूकोज क्या करता है अपनी बॉडी को क्या करता है एनर्जी रहने का काम करता है, किसके रूप में एटीपी के रूप में, यानी कि एटीपी का आपसे अगर कभी पूरा नाम पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, क्या फ्रेंड्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। उसके आगे फ्रेंड्स बात करते हैं प्रोटीन की। अब जो प्रोटीन होता है उसका कार्य क्या होता है बॉडी के अंदर रुधिर को थक्का बनाना आप बोल सकते हो। हालांकि अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर रुधिर का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है, तो जरूरी नहीं है कि केवल प्लेटलेट्स के कारण ही बनता है। आपको मैं और बताऊं कैल्शियम भी आपका मदद करता है, विटामिन के भी करता है, और आपका प्रोटीन भी क्या है रुधिर को थक्का बनाने में सहायता देता है। यानी कि आप पढ़ते हैं कि रुधिर का जो थक्का बनता है, जो रुधिर का थक्का बनता है उसमें फ्रेंड्स आपका रोल किसका है प्रोटीन का भी रोल है, किसका प्रोटीन का भी रोल है। यानी कि जो रुधिर का थक्का बनता है आपका प्रोटीन के कारण भी बनता है, प्लेटलेट्स के कारण भी बनता है, कैल्शियम के कारण भी बनता है, कैल्शियम के कारण भी बनता है, विटामिन के कारण भी आपका रुधिर का थक्का बनता है। अब फ्रेंड्स रुधिर का थक्का क्या होता है मैं आगे वाले वीडियो में आपको सभी को अच्छे से बता चुका हूं कि रुधिर का थक्का में जब भी आपको चोट लगती है तो एक तो क्या होता है कि रुधिर बहता चला जाता है, जबकि एक क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद रुधिर की एक परत जम जाती है जिसके कारण क्या होता है रुधिर का वाहक बंद हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है ब्लड की क्लोटिंग बोला जाता है, रुधिर का थक्का बनना बोला जा सकता है। अब फ्रेंड्स जो प्रोटीन है प्रोटीन कौन कौन से होते हैं आपके, तो थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन मैंने बोला, प्रोथ्रोम्बिन बोला, फिब्रिन बोला, फाइब्रोनेजन बोला, कौन कौन से थ्रोम्बिन मैंने बोला, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनेजन, ये आपके क्या है प्रोटीन है जो क्या करते हैं ब्लड की क्लोटिंग करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके आगे फ्रेंड्स जो है कि आपके जो लीवर के अंदर क्या है दो आपके प्रोटीन होते हैं आप बोल सकते हो, जूस होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबर्डिन, एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिरुबर्डिन। अब जो बिलिरुबर्डिन होता है उसका तो ग्रीन कलर होता है, इसको बाइल जूस बोला जाता है। बिलिरुबर्डिन का क्या रंग होता है ग्रीन कलर होता है, जिसको क्या बोला जाता है बाइल जूस बोला जाता है। उसके आगे से बिलिरुबिन, अब जो बिलिरुबिन होता है ये क्या करता है इसके कारण ही प्लाज्मा का रंग क्या होता है हल्का पीला, किसके कारण बिलिरुबिन के कारण क्या है प्लाज्मा का रंग कैसा है हल्का पीला। क्लियर, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब ये क्या करता है कि आपका जो जॉन्डिस होता है उसको एक्सेस करता है जब इसकी ज्यादा मात्रा हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी कॉमन कॉमन बातें, आगे फ्रेंड्स अपन पढ़ेंगे कि ब्लड सेल के बारे में। मैं आपका यहाँ तक टॉपिक आपको बता देता हूँ कि ब्लड सेल, अब जो आगे जो अपना टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन ब्लड सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ब्लड सेल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आपकी ब्लड सेल है अब अपन सॉलिड पार्ट की बात करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
लेट्स। अब फ्रेंड्स जो आरबीसी है इसका मैंने क्या बोला, रेड ब्लड सेल, ये क्या हो जाएगी व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या हो जाएगा आपका बिंबाणु, आप बोल सकते हो बिंबाणु होता है, ये भी क्या करता है रुधिर का थक्का बनाने में आपकी सहायता करता है। फ्रेंड्स ये जो आपको मैंने आरबीसी बोला है, अब आरबीसी का आपका जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी बनती कहां पे है, अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। फ्रेंड्स ये जो आरबीसी है इसकी जो मौत होती है, यानी कि जो आपके सभी याद रख लेना कि जो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होती है केवल और केवल 120 दिन की होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 120 दिन की होती है, यानी कि 120 दिन के बाद आपकी बॉडी के अंदर हर एक आरबीसी नई बननी स्टार्ट होती है। तो किसी के मन में डाउट उठ रहा होगा कि जो पुरानी आरबीसी होती है फ्रेंड्स वो कहां जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि वो कहां जाती है, अपने बॉडी के अंदर एक प्लिया होता है, प्लिया के अंदर जाती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो आरबीसी की जो डेथ होती है वो कहां पे होती है, प्लीहा के अंदर होती है। मैंने फॉर्मेशन बताया कहां पे होता है आरबीसी का, अस्थि मज्जा में होता है, कहां अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो के अंदर तो इसका फॉर्मेशन होता है, बट जो उसकी डेथ होती है वो कहां होती है, प्लीहा के अंदर होती है। और कितने दिनों के भीतर होती है, 120 दिनों के भीतर होती है। अब ये जो है, मनुष्य में मेल एंड फीमेल में आरबीसी जो पाई जाती है अलग अलग होती है, यानी सेम नहीं होती, मेल में ज्यादा होती है फीमेल में कम होती है। फ्रेंड्स आगे जो हम टॉपिक लेके आएंगे, अभी तो मैंने केवल थोड़ा सा आपको बताया है ब्लड के बारे में, मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि ब्लड क्या है, किससे बना है, कैसे फॉर्मेशन होती है। मैं सब सभी को एक एक डाउट में क्लियर करूंगा, इससे पहले मैं थोड़ी बहुत और बता देता हूँ। जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ये क्या करती है, अपने शरीर को क्या देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, यानी कि अपने बॉडी को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, कौन WBC। और फ्रेंड्स जो आपकी प्लेटलेट्स है मैंने अच्छे से बता दिया कि इनका कार्य क्या है, बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का बनाना। अब जो इससे आगे जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर क्या होगा कि आपको मैं विस्तृत रूप से अध्ययन करवाऊंगा आरबीसी WBC और रेड फ्लैग्स का। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैंने केवल और केवल आपको कॉमन बातें बताई हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछी जा सकती हैं, और यहाँ से जो कॉमन बातें हैं वहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, इसीलिए इस वीडियो को आप देख लेना, बट कल वाला वीडियो आप मिस करना मत भूलना, क्योंकि कल वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। फ्रेंड जब भी साइंस को पढ़ो, एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा, जब भी साइंस को पढ़ो अपनी बॉडी के ऊपर लेके पढ़ो, यानी ये जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी के अंदर जो आपका जूलॉजी होती है बहुत ही फ्रेंड्स रोचक है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो कभी भी आपको टफ नहीं लगेगी। क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में आजकल का जो पैटर्न है वहां से क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं कम, बट जो बायोलॉजी है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आप इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके जो 2-4 नंबर होते हैं वो आपको मेरिट से काफी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, यही यहाँ से अपना टॉपिक शुरू होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाएगा, ताकि जब भी हमारे ऐसे न्यू वीडियो आए सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए वंदे मातरम।